मैं लाल मोहम्मद शेख, आप देख रहे हैं पब्लिक चैनल। सबसे पहले तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं और जो फॉलोअर हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि एक हफ्ते से मैं उनको कोई खबर दिखा नहीं सका। आज मुमरा से जुड़ी हुई एक खबर है, जो मुमरा आम आदमी पार्टी के अल्तमस फैजी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया किस तरीके से टोरेंट का एक मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुमरा गौसा को एक आस्ते आस्ते जो है एक देवक की तरह जो है पूरा अपने चपेट में लेते जा रहा है। और हॉस्पिटल का भी मुद्दा है अल्तमस फैजी ने उठाया है। ये बहुत सारे जो मुद्दे है जिसे सैफ पठान के ऊपर जो है तड़ी पार का एक नोटिस जारी करके उनको तड़ी पार कर दिया गया है, उसके ऊपर भी क्या कहा अल्तमस फैजी ने, मैं आपको पूरा वीडियो और पूरा जो पत्रकार सभा थी वो पूरा मैं आपको घटना दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहा है पत्रकारिता में और पत्रकार लोगों से उन्होंने क्या संदेश दिया है मुमरा कौसा के आवाम को। उन्होंने एक संदेश दिया है कि जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये मुमरा कौसा की आवाम जब तक जुड़ेगी नहीं जब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। उनसे एक अपील भी की है मुमरा कौसा की आवाम से, आइए सुनिए कि क्या कहा उन्होंने। बहुत आज जितने भी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सबसे मेरा दिल बर्दाश्ता हो गया, बहुत तकलीफ है, हर टॉपिक से ही तकलीफ है। जिस तरीके से टोरेंट को यहाँ पे लाया गया और लोगों के आए दिन हम लोग रोज़ाना यहाँ पे 7 बजे से लेके 9 बजे तक इस ऑफिस खुलती है सिर्फ टोरेंट के परेशानियों को सुनने के लिए इस ऑफिस में, और मैं खुद आ रहा हूँ और लोगों के दर्द सुन करके मतलब दिल कभी रो देता है, इतना तकलीफ दे है। और इसके ज़िम्मेदार MSCDCL है और उससे ज़्यादा गोया एक आदमी को जैसे ला करके रखा गया है कि तुम बॉस बनो और तुम सबसे वसूल करके हमको दो। और उनका साथ जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं जिनकी हलक बंद हो गई है, पहले तो बड़ी चीख चीख करके बोल रहे थे टोरेंट के ख़िलाफ़, लेकिन अब तो उनकी जो कहते हैं ना हिंदी में कंठ बंद हो गया, कंठ बंद हो गई है इनकी, आवाज़ मुंह से नहीं निकल रही है, आवाम की तकलीफ़ नहीं समझ में इनको आ रही है। किस किस हम अगर गिनाना शुरू करें कि किस किस किस्म की इनकी गलतियां हैं तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। बट इन शॉर्ट ये है कि हर तकलीफ़ के पीछे एक चीखती हुई आवाज़ है लोगों की, ठीक है, जिसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। और इनसे हम सॉल्यूशन जब ढूंढने के लिए जब जाते हैं करेक्शन करने के लिए तो ठीक है, वो तो MSCDCL ही करेगा, उसमें 2-3 महीने लगेंगे जब तक वो बेचारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भरता जाए। यानी इतने किस्म के हैं जिसका 5,000-6,000 बिल होना चाहिए, उसका आपने गलत रीडिंग एक बहुत बड़ा है। हमने उनको साफ कहा उनकी मीटिंग में, ये लोचा है या धोखा है। लोचा उसे कहते हैं कि जो मतलब इंटेंशनली नहीं किया गया हो, जानबूझ करके नहीं किया गया, अनइंटेंशनली हुआ है, उसको लोचा कहते हैं। और धोखा उसको कहते हैं जिसको इंटेंशनली किया गया हो, जानबूझ करके किया गया। तो जो भी लोचा है या धोखा है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे साफ आज दिख रही है कि किस तरीके से मीटर निकाल के ले जाया जा रहा है, उसकी रीडिंग जो है ज़्यादा बढ़ा के दी, किसी ने नहीं रिकॉर्ड किया, नहीं देखा, बहुत ज़्यादा बढ़ा करके दी जा रही, ये दबा जा रहा है कि इतना आपका चल चुका था, ठीक है। बहुत जगह पे ऐसी हालत है कि वो मीटर जो है मरा हुआ है, मरा हुआ का मतलब है डिस्प्ले उसका गया हुआ है। और ऐसी हालत में क्या हो रहा है, जैसे कुम बेइज़्निल्लाह वाली हालत हो जा रही है, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, है ना। तो वो टोरेंट वाले बस कुम बेइज़्निल्लाह कहते हैं, वो रीडिंग अपने दिल की बात कह देता है और फिर सो जाता है, और कहते हैं टोरेंट वाले तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, हमने किस तरीके से उसको ये किया फिर मर गया। जब कंज्यूमर कहता है वो जिंदा है तो हमको भी दिखाओ, तो नहीं नहीं वो फिर टेक्निकल चीज़ है, वो ख़राब हो गया। और ये इसकी शाहिद हमारे पास कस्टमर हैं जो कह रहे हैं कि हमने जब सवाल किया तो यही हालत हो रही है कि वो अपने मन से मनमानी तरीके से जिसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, उनके पास नंबर नहीं है, अपने से वो नंबर बिठा रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आपने अगर लिया है तो आप हमको वो वीडियो दिखाइए जो आपका आदमी लेकर के गया है। आज महीने हो गए वीडियो दिखाने में वो लायक नहीं है, उनको है ही नहीं है, वो मनमानी तरीके से जितने लोगों के डिस्प्ले उड़े हुए हैं, ये नंबर है साहब आपका, इतना हम चला हुआ है, हमने इसको देखा, दोबारा दिखाओ, नहीं है हमारे पास। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने मकान को दुकान को भाड़े पे देते हैं, लेकिन आपने 12-15 महीने से उनको एवरेज दिया 35 यूनिट, 40 यूनिट, 100 यूनिट, ठीक है। तो भाड़े वाले से तो वही लिया जो 100 यूनिट आ रहा था, और अब अचानक आप उनको एक लंबा सा, जब वो भाड़ा वाला तो 11 महीने के बाद चला गया अगर बदल गया तो, अब जो है आपने उनको रात ही, बेचारा एक शख्स आया, मुझे इतना तरस आया उसके ऊपर, उसके कोई नहीं है,
वालदा गुजर गई, सब बच्चा है, अभी पनवेल से इंजीनियरिंग किया है, और रात आके इतना नर्वस था, उसके नाम से बहरहाल माने कर दिया था, और उसका अभी अक्टूबर सितंबर तक का बिजली बिल पूरा उसका क्लियर था, क्योंकि एवरेज भेज रहे थे, और अचानक उसको जो है कहा कि तुम्हारा मीटर ये चल रहा है और ये सब है और तुम 1,95,000 रुपये भर डालो। अब वो बच्चा एक घर के खर्च से वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, कोई नहीं है उसके फैमिली में, एक नानी बेचारी बूढ़ी सी आई थी कल रात में मेरे साथ बैठी यहाँ पे काफ़ी देर, उन्होंने कहा कि मैं ही इसका पालन पोषण, इसका कोई है नहीं, ख़त्म हो गया, इंजीनियरिंग किया है और वो उसी से इसका खर्च चलता था और अब 1,92,000 रुपया जो है इसका आ गया है, ये कहाँ से देगा, आप कुछ कीजिए। हमने कहा ठीक है, हम इस पर बात करेंगे, क्या गुंजाइश निकल सकती है उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये एक दो लोगों का हम मिसाल अगर हम देना चाहें, उनको तो मैंने 10 मिसालें दी हैं, हमने कहा कि 10 मिसाल, 10 एग्जांपल, 10 टाइप के हम आपको बता रहे हैं कि इस किस्म की गलतियाँ हैं, और उनको कहा कि पहले आप अभी यहीं पर पुलिस कमिश्नर के सामने कि आप यहीं पर मुझसे ले लीजिए, अभी चालू कीजिए अपना टीवी और मैं एक एक करके आपको गिना देता हूँ, दिखा देता हूँ बिल्कुल उस पर कैसे आपकी गलतियाँ हैं। तो कहा कि नहीं, बाद में, आज तक बात के बाद उन्होंने मेरे साथ 2-3 ही ऑप्शन उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए, फ़ोन पे कभी कभी कहते हैं मैंने उनका ये कराया वो कराया, आज तक कोई उनका ये नहीं है। हाँ करेंगे, ठीक पकड़े गए हैं तो वो तो ठीक करेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर एक एनजीओ की हैसियत हमारी नहीं है कि हम एक एक आदमी का लेकर के बैठेंगे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम आपको एग्जांपल दिखा दिया कि इस किस्म के सैकड़ों लोगों का मसला है, अब आपका जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, जाइए और जा करके उसको सबको करेक्ट करने के लिए तेज़ी लाइए। और इन्होंने कहा कि साहब हमारा काम है मीटर लगाना, ठीक है, पैसा वसूली करना, हमने कहा पैसा वसूली आप अपना कीजिए ना, लेकिन आप जो है टॉरेंट के वक्त का आप पैसा वसूली कर रहे हैं, वही वहाँ पर देखिए एक ही वक्त में माले गांव में भी कलकत्ता वाली कंपनी CACS को दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर वो MSEDCL का जो है वो बकाया वसूलने के लिए न कह रही है बल्कि अपना भी नहीं वसूल रही है, वो कह रही है कि जब हम सारा सिस्टम ठीक कर लेंगे, आपका जब सब चीज़ ठीक हो जाएगा आप ले जाइए, जिसको लगता है कि मेरा मीटर लगाना है मेरा लगाइए, आप अपना लगाना है लगाइए, चेक कम कर लेते हैं आप, जब हम बाद में लेंगे जब सारा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बरक्स यहाँ पर जिस तरीके से लूट मार और परेशानी और कट करना, अब बहरहाल इतने प्रेशर के बाद कट करने में कम कमी आई है, वो खुद से भी सही करना शुरू किया है उन्होंने सिस्टम को, लेकिन ये कितना वक्त लगेगा, इतने दिनों में उन्होंने मुझे कहा कि 1600 ठीक किया है, टोटल कंज्यूमर 2,80,000 है, तकरीबन मोर देन 50% में उनका है ही है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आम आवाम को समझ में नहीं आएगा कि कैसी कैसी गलतियां हैं। मैं तो उनके मैनेजर को कहा कि आप ही बता दो मुझे कि क्या गलतियां हैं, बताओ तुम मुझे, कुछ उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि अब तुम खोलो दोबारा, हम तुमको समझाते हैं क्या गलती है, कैसे तुमने पैसा मारा है, 2 महीने में एक आदमी का कहीं तुमको कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा, तब भी तुमने 700 रुपये मार दिया एक एक आदमी से, लेकिन क्या गलतियां हैं वो टेक्निकली मैंने उनको समझाया, ये है, तो फिर समझ अच्छा ये है। हमने कहा है नहीं, ये इंटेंशनली किया गया, ये लोचा नहीं हो रहा है, ये धोखा हो रहा है, बहुत होशियारी के साथ किया जा रहा है, जिससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं उनके इससे। तीसरी चीज़ हमने ये भी कहा कि हम आज के डेट में, हम तो कहते हैं कि 100 रुपया 200 रुपया, अगर 2,80,000 कंज्यूमर है आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वाला कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है उसके लिए कोई रिमोट ऐसा बनवा लेना जिससे हम जब चाहे फास्ट कर दें, कोई बड़ी चीज़ आज के डेट में नहीं है। और मैंने उनको मिसाल दिया कि देखिए जब मैं PhD कर रहा था उस वक्त में मैं IIT पोवाई का नाम सुना होगा, मैं वहाँ पर था काफ़ी दिन तक, गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ डाला था, तो मैंने कहा कि उस वक्त में हम INSAT-2B जो सैटेलाइट है ऊपर में उसके हम इमेज को प्लानिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया करते थे, तो हमने उनको समझाया कि उसको हम लोग यहाँ से हैंडल करके उसके प्रिंट और बहुत सारे INSAT-2B को लाखों किलोमीटर ऊपर से हम कंट्रोल कर सकते हैं एक चीज़ से, तो ये सब आपका क्या है, ये सब जो चिप्स लगा सकते हैं आपका, आजकल हर चीज़ में चिप्स लगा हुआ है, कब हम क्या कर सकते हैं, हमको भरोसा आपके ऊपर नहीं है, इसलिए आप लगाने दीजिए, जिसको जो मर्ज़ी होगा ISI का उठा के लाएगा। बहरहाल वो उस पर वो तैयार हुए हैं बमुश्किल, लेकिन फिर भी अभी भी हमको सुनने में आ रहा है बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उनका अपना जो चेंज करने का सिलसिला है वो चालू है। बहरहाल अब हमें आवाम से क्या कहना है, आवाम से क्या कहना है, ये तो बात हो गई टॉरेंट की, कहते रहेंगे शायद, मुझे लगता है कि मैं दिन भर बोलता रह जाऊं उसके ऊपर, एक एक केस मेरे सामने ऐसे जहन में अक्स
जहनशीन हो गए हैं कि शायद मुझे लगता है 3-4 घंटा एक एक केसेस के ऊपर हम बोलते रह जाएंगे। लेकिन हम आवाम से क्या दरख्वास्त करते हैं? वो आवाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि लोगों की परेशानियां बहुत है, जिन लोगों के बिल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, मानते हैं कि हमारा बिल्कुल सही है, और उनको अपनी ज़रूरियात के बाद ज़रूरियात पूरा करने यानी खाना पीना एजुकेशन और हेल्थ के बाद अगर पैसे हैं तो ज़रूर भरे, बच्चे को ड्रॉप करा के नहीं, बच्चों के एजुकेशन ख़राब करके नहीं, हेल्थ के मामले में डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले वो आप कर लीजिए क्योंकि वो प्रायोरिटी होगी आपकी, ठीक है, पहला। और जिनके पास सही तो है लेकिन देने के लिए नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे दें, और उनसे भी बात हुई है कि वो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। जिन लोगों का वो गलत है वो बिल्कुल भी ना भरे, बिल्कुल भी ना भरे जब तक कि वो सही ना कर दिए जाएं। और वो कह रहे हैं पहले भर दो हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मालूम हुआ एक आदमी का 5,000 रुपया आया करता था, आज आपने 70,000 रुपया, हम 70,000 रुपये हम लाएंगे कहाँ से? हमारा इशू ही हम कहाँ से लाके भर दें और बाद में आप एडजस्ट, हमारे पास कोई कानून का खजाना मौजूद नहीं है। आप वो 70 का पहले 4-5 हज़ार कर दीजिए हमारा सही कर करके, फिर हम भरने के बारे में सोचेंगे कि एक इंस्टॉलमेंट में होगा कि 2 इंस्टॉलमेंट में होगा कि 3 इंस्टॉलमेंट में होगा। वो तब होगा, बात तब होगी जब आप ठीक कर देंगे, तब की बात होगी। इसमें लोगों से दरख्वास्त ये है कि जो हमारे गरीब आवाम के लिए जब भी कोई ऐसी रैली और मोर्चा हो तो जिन लोगों के सही भी आते हैं वैसे वक्त में आज जो गलत जिन लोगों का आया है उनका साथ देने के लिए वो भी अपने मकानों से बाहर निकलें, ताकि आज उनकी बारी आई है कल आपकी भी बारी आएगी, कभी आपका भी गलत आएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपका निकलना, रोड पर आना और अपना गुस्सा दर्ज कराना ज़रूरी है। इसको ज़रूरी समझिए आज के डेट में, बल्कि ये समझिए कि हमारे ऊपर एकदम वाजिब हो गया है कि लोगों के हिमायत में जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है हम आए। जी फरमाइए। डॉक्टर फैजी साहब, आप टोरंट पर इतना स्टडी कर चुके हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, और पब्लिक भी जो है मोगरा कौसा की आवाम वो भी टोरंट के विरोध में बात करती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अभी तक टोरंट विरोधी कोई एक बड़ी या ठोस तहरीक शुरू नहीं हुई, आवाम सड़कों पर उतरने राजी नहीं है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, आवाम जो हम मिल रहे हैं वो सड़क पे उतरने के लिए राजी है, क्योंकि मुझसे जब भी मैं निकलता हूँ गली कूचे में, अरे भाई कुछ निकालो, रैली निकालो, मोर्चा करो, तुम लोग हम लोग आते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सर्वे है, सैंपल सर्वे है, हो सकता है कि कुछ राज़ी हो, कुछ राज़ी नहीं हो, जिनके सही आ रहे हों वो सोचते हों ठीक ही आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ी एक तादाद है जो ये सोचती है कि हमें गलत आ रहा है, इसके लिए मोर्चा होना ज़रूरी है। और आम आदमी ने इससे पहले भी एप्लीकेशन दिया था जो जानबूझ करके एडमिनिस्ट्रेशन और इन लोगों के ज़रिए उसको कैंसिल कराया जा रहा है। दोबारा हमने सीधा पुलिस कमिश्नर के यहाँ अभी 4 रोज़ पहले ही हमने ये एप्लीकेशन दोबारा दिया है कि हमें 21 तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक के बीच में किसी दिन का जिसमें आपको आसानी हो आप हमको वो डेट दे दीजिए, हमारा अब रैली करना और मोर्चा निकालना ज़रूरी हो गया है, इनको बताना कि हमारे अंदर गम गुस्सा है, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे टोरेंट की हमारा अगला लाइन ऑफ एक्शन यही होगा। और हम इनका साथ नहीं बल्कि हम इनको चाहते हैं कि जब आप वसूली ही के लिए हैं तो आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि जिस सिस्टम से ये करेक्ट कर सके, ना राइट है ना सिस्टम है, इनके सारे सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे बखूबी समझ चुके हैं, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। टोरेंट पे कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं भैया। और डॉक्टर साहब, मेरा तो एक ही सवाल है कि इतनी कोशिशें और इतनी आवाम की चीख पुकार के बाद क्या आपको लगता है टोरेंट यहाँ से जाएगा? देखिए, टोरेंट के जहाँ तक जाने का सवाल है, ये एक जाना आसान नहीं है, एक तरीके से बहुत आसान भी है, आसान नहीं भी है और आसान भी है, बहुत आसान भी है। जब इनके गलतियों को हम उजागर कर कर के कोर्ट में जिस दिन पहुंच जाएंगे कि ये मैटर है इस किस्म के और ये धांधली कर रहे हैं उसमें, तो कोर्ट इनको ऑर्डर करेगी गवर्नमेंट को कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको फौरन कैंसिल, ये टेक्निकल बातें हैं जो हम बोल रहे हैं, ये कानूनी तौर पे तब जब हम इनके फॉल्ट्स को बताएंगे, और हम वही कर रहे हैं कि हम कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे और जो मेन कोर्ट हमारा है यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस जहाँ पे होना है कंज्यूमर के अलावा, वहाँ पर की हम तैयारी कर रहे हैं कि किन किन केसेस को हम रखेंगे और उन केसेस के बुनियाद पर हम कोर्ट को कहेंगे तो कोर्ट उनको जारी करेगी कि भाई आप जो है इसको ठीक करा दीजिए या आप इनको इनका
कॉन्ट्रैक्ट खत्म कीजिए। सेकंड मुद्दा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का लॉ एंड ऑर्डर है मुमरा कौसा का जी, तो क्या क्या आपको मतलब लॉ एंड ऑर्डर में क्या खराबियां दिख रही है, किस वजह से ये मुद्दा रखा गया है लॉ एंड ऑर्डर का, खास करके क्या बात है? देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये है कि तरी पार बड़े मतलब अंधा कानून जिसको कहते हैं ना, अंधा कानून, गूंगा कानून, बहरा कानून हो गया है। आप बात करते हैं उसको तरी पार करने के लिए उस शहर के लोगों को जिसके बड़ी बड़ी तंजीमों ने उसको करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया हो। आपको एक वक्त तो सोचना चाहिए था, जिसने करेक्टर सर्टिफिकेट उसको बड़ी बड़ी तंजीमों ने दे दिया हो, कई एनजीओज़ ने जिसको दे दिया हो, आपको क्या हक बनता है? जितनी आपके उसके ऊपर केस करने वाले नहीं होंगे और उनके खिलाफ बोलने वाले नहीं होंगे, उनके फेवर में बड़ी बड़ी एनजीओज़ और दूसरे लोग आ गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं सैफ पठान की खास तौर से, ठीक है, कि उस बंदे को जितना करेक्टर सर्टिफिकेट लोगों ने दे दिया शहर के, हम कहते हैं दो ही तंजीम दे दिए होती, इस्लामी जमात दे दिए होती और तंजीम जमीतुल उलमा दे होती, यही दोनों काफ़ी थे, लेकिन इसके बावजूद कई एनजीओज ने दिए हैं। तो क्या पुलिस का यहाँ पर चेहरा, असली चेहरा नहीं आता है तो खुल करके कि पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कि कानून, आप कानून कौन सा कानून? हम लोगों ने बहुत देखा है, बहुत फिल्में देखी हैं और सारी कानून देखे हैं कैसे चल रहे हैं। वो एक मजलूम को आप यानी कि ये जितने केसेस उनके ऊपर हैं, उनसे केसेस आपके कई बड़े बड़े नेता पर जिनके फ़ोन आते हैं ना, उनके भी उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। उनके ऊपर अगर 5 केसेस है तो हम बता देते हैं उनके ऊपर 30 केसेस है। आप उनको कभी तरी पार नहीं किया जिससे ज़्यादा परेशानियां हैं? उनके कई ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं जो कि उनसे कई ज़्यादा उनसे परेशानियां हैं, उनको आपने कभी तरी पार कर नहीं दिया जी। साहब सैफ पठान की तरी पारी का तो मुद्दा है आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन क्या ये इकलौता एक ही मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का शहर के अंदर? लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है, जो स्थिति है, तो इसके अलावा और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड दूसरे कौन से मुद्दे हैं? देखिए लॉ एंड ऑर्डर का एक ही मसला नहीं है। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही ये लोग भी होते हैं कि यहाँ पर दसियों साल से पहले उतना नशा नहीं था, जो काम करना था इनको नशे के लिए ख़त्म करना, तो बैठे रहते हैं उसके लिए। रोज़ाना इनकी क्या तहरीकें चलती है, महीने में क्या तहरीक चलती है कि आज तक नशा ख़त्म नहीं हो पाया, आप उसको नहीं, ये सब हाँ। तो ये मसला ये है कि रोज़ाना का मामला है कि भाई यहाँ पर वो हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, उनके साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं, तो आप लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन कहाँ कर पा रहे हैं? जब लॉ ऑर्डर किसी से मेनटेन अगर नहीं हो जाए तो उस आदमी को उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसको कह देना चाहिए भाई मैं सक्षम नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं इतने प्रॉब्लम को देखते हुए एरिया के मैं यहाँ के लायक नहीं हूँ, मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं और, फिर भी यहाँ पर चिपके रहने की क्या जरूरत है किसी को, जब अगर लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो। इतने मसले तो बहुत सारे हैं, एक दो क्या है, चोरी है, डकैती है, चाकूजनी है, बदतमीजी है, छेड़खानी है, ड्रग्स है, ये सारे तो लॉ ऑर्डर के ही मसले हैं। आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। हम नहीं कहते हैं कि पुलिस ही अकेला जिम्मेदार है, कितने के लिए जनता भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस का काम तो है ना, भारत काम तो उन्हीं को दिया गया, उन्हीं को बैठाया गया कि आप देख रेख कीजिए। आप अगर देखने में नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं, तो आपका जो आपका काम है उसमें आप गोया कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आपको अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। फैजी साहब, जैसे पुलिस अपना काम लापरवाही से कर रही है और अपनी मनमानी हर एक पे थोप रही है, तो पुलिस के ऊपर आप क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए पुलिस के ऊपर आपकी क्या आवाज है? देखिए पुलिस के ऊपर जितनी भी इनकी गलतियां हैं, ठीक है ना, उनको हम आगे तक कह सकते हैं, लेकिन मसला ये है ना कि पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें हम रह रहे हैं, जिस पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें उनका हर चीज़ को इतनी ताकत आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम में कि उसको रुकवाने और उसको और बढ़ावा देने में वो लोग कारगर साबित होते हैं और हम नाकाम होते हैं। लेकिन हम नाकाम होने के बावजूद भी हमने सोचा है, आज ही हम लोग तस्करा कर रहे थे, एक साहब से मैं तस्करा कर रहा था कि इनकी शिकायत बहरहाल हैं तो पूरे पुलिस ही वाले, लेकिन ऊपर में करने की ज़रूरत है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में और एक नेता के कहने के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हो रही है। देखिए ये नेता के ऊपर कहने से हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि नेता के कहने से हो रहा है, क्योंकि देखिए एक बिल्कुल खुली हुई बात सैफ पठान ने कही है कि फलां फलां आदमी का जाके पैर पकड़ लो, एक पुलिस वाला कह रहा। हम कहते हैं कि धुआं उसी वक्त उठता है जब चिंगारी जहां होती है, जब चिंगारी नहीं होती है तो धुआं भी नहीं उठता है। इसका मतलब कुछ तो हकीकत है, कुछ तो हकीकत। हम नहीं कहते जो सैफ पठान कह रहा है वो बिल्कुल 100% सही है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ उसमें कुछ चीज़ें बड़ी, लेकिन कुछ तो हकीकत तो होगी ना वहाँ पे कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कराया जा रहा है। और ऐसे ये पहले मिसाल नहीं है हमारे पास, आज इससे पहले मैंने दसियों बीसियों मिसाल देख लिए। हमें तो अफसोस आता है कि चलो उन लोगों गैर ईमान वालों से मैं क्या बात कहूँ,
क्या उनसे शिकायत करूं, किसके किसकी शिकायत करूं? हमारे जो यहाँ पे जो ये हैं, जो ईमान वाले हैं, वो अपने ईमान के एकदम नीचे के कमतरीन दर्जे पे पहुँचे हुए हैं, जो इस किस्म का किसी इंसान के ऊपर यानी कि खुद जा कर के उसमें पहल कर कर के उसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाते हैं। बल्कि ईमान वाला का तकाजा ये था, किसी के ऊपर कुछ लग रहा है तो कुछ मदद कर सकते तो मदद करो, बजाय मदद करने के हम उसकी यानी कि तकलीफ जितना पहुँचाना हो सकता है वो तकलीफ हम पहुँचाने में मददगार साबित होते हैं। डॉक्टर साहब, तीसरा मुद्दा आपका अस्पताल का है, पीपीपी पे पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेंट पे ये अस्पताल चलाए देने का आपको जानकारी मिली है, क्या मामला है पूरा, क्या करेंगे? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो चलाई जाती है, जनरली तरीका ये होता है कि वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन देख के चलाई जाती है, एक तरीका है, यह भी मॉड्यूल में है कि पीपीपी कहाँ चलाया जा सकता है, वहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्राइटेरिया, हाँ, देखा जाता है कि वाकई ये पीपीपी के लायक हैं तो उनको चला दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे जो गरीबों की है, और आप देखते हैं कि आए दिन लोग कलवा भागते रहते हैं, इधर भागते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर पीपीपी का जवाब नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जब से ये जितेंद्र ओहाड आए हैं, आपने देखा होगा कि मोदी जी के खिलाफ जितने भी मोदी जी, चाहे रेलवे हो, चाहे एचपीएल हो, चाहे वो हमारा आर्म्स फैक्ट्री हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब प्राइवेटाइजेशन होते हुए पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो वहाँ पर हिंदुस्तान देख रहा है तो चिल्ला रहा है, वो आवाज़ यहाँ पर उन लोगों को नहीं दिखती है जो वहाँ के लिए चिल्लाते हैं मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पर भी तो हमारा हर चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन ही हो गया, मुंबरा के अंदर भी सारी चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, कचरा उठाने से लेकर के हॉस्पिटल और सारी चीज़ें, और आज बिजली और ये सारी चीज़ें सबका प्राइवेटाइजेशन ही हो गया है आज के डेट में। तो वहाँ की इसमें और यहाँ की इसमें चिल्लाने का और कहने का हक सिर्फ मोदी जी को क्यों है? सिर्फ यहाँ पर भी ये वही कर रहे हैं। और हर प्राइवेटाइजेशन, मेरा हमेशा से कहना है, वो नेता के फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है कि वो आपको हमेशा उससे कुछ ना कुछ, यानी कि दुधारू गाय जिसको कहते हैं ना, वो दुधारू गाय है, वो या जो ये है प्राइवेटाइजेशन दुधारू गाय है, जो लाया है उसका बेनिफिट उसको हमेशा उसको मिलता रहेगा। इसलिए चाहे आवाम उसके लिए चूसी जाती हो, आवाम के बुरे हालत हो जाए, उसके आवाम के तेल निकाल लिए जाए और चर्बी पिघला दिए जाए और चमड़ी ख़त्म हो जाए, उससे इनके पास पैसे आते रहने चाहिए प्राइवेटाइजेशन के लिए।